स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, झारखंड खेल विभाग में सीधी भर्ती जो कि जारी कर दिया गया है, जिसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदक कर सकती है। ठीक है, आप लोग को इसमें मैं बता दूं कि बिना परीक्षा इसमें आप लोग का सरकारी नौकरी लेने का बहुत ही अच्छा अवसर है, जो कि आप लोग इसको मिस नहीं कीजिएगा। टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैं टोटल जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में, चलिए वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वायरमेंट, जो कि आप लोग नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड रिक्वायरमेंट 2024, जो कि डिपार्टमेंट की बात की जाए तो सेम वही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, और नेम ऑफ पोस्ट देखें, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सीओ ऑर्डिनेटर, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 175 है, और यहाँ पर पोस्ट की देखिए जो आपका मेन है, जो कि देखिए 9 पोस्ट टोटल है इसमें, 9 पोस्ट इसमें हैं। और आप लोग कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों, जैसे कोई कोई वैकेंसी रहता है ओनली फीमेल के लिए या फिर मेल के लिए होता है, बट इसमें आप लोग मेल या फीमेल दोनों को अप्लाई कर सकते हो। सैलरी इसका बाबू बम्फर है, ठीक है, 25,000 जो कि सैलरी है, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है एक प्रकार से देखे तो। और यहाँ पर देखिए अप्लाई स्टार्ट डेट 8 अक्टूबर है, जो कि आज 15 अक्टूबर है, और कुछ ही दिन के अंदर ये ऑफ हो जाएगा, तो मैं बता दूँ कि ये 8 अक्टूबर से स्टार्ट है और 19 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि 0 रखी गई है, ठीक है, 0 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अप्लीकेशन मोड की बात की जाए तो ईमेल के थ्रू, ठीक है, ईमेल आईडी आप लोगों को पता ही होगा, ईमेल के थ्रू इसका प्रक्रिया है, बताऊंगा वीडियो में, आगे बने रहिएगा वीडियो में। और तब तक आप लोगों ने जानकारी अच्छी अगर लग रही होगी, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और यहाँ पर देखिए टोटल बात की जाए एज की, तो यहाँ पर जनरल के लिए 35 इयर्स यानी कि 35 वर्ष रखा गया है, और BC1 BC2 के लिए 37 साल, और ST SC, ठीक है, SC के लिए 40, ST के लिए 45 वर्ष रखा गया, ध्यान दीजिएगा ST SC के लिए फ़ायदा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ST के लिए, जो कि 45 वर्ष रखा गया है। और डिग्री की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन में आप लोग देखिए सबसे एक नंबर में आपको ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम यानी कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी में भी आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर और स्टेट प्लेयर, ठीक है, जो कि मेडलिस्ट, ठीक है भैया, हाँ मेडल लिस्ट, मतलब इनमें मतलब आपका नाम होना चाहिए, कि मतलब देखिए खेल विभाग से है तो खेल विभाग में आपका रुचि भी होना ज़रूरी है, और BPED, ठीक है, BPED बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ NIS सर्टिफिकेट होना चाहिए, और NIS डिप्लोमा और MPED, ठीक है, पीएड जो कि होना चाहिए। और बात की जाए एक्सपीरियंस की तो 3 साल का एक्सपीरियंस जो कि बता रहा है, बट हो जाएगा, आप लोग ट्राई कीजिए, जाइएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं, और जो जो खेल से रुचि रखते हैं उन सबको ये सब पता होगा, हमको उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, ये सारे जो हैं, ठीक है, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे टोटल इस वीडियो में आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हो जाएगा कैंडिडेट डिटेल्स, अपना डिटेल्स रहेगा, और डॉक्यूमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और एप्लीकेशन इन, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा जो कि मार्कशीट है, ठीक है, मार्कशीट वगैरह, और यहाँ पर मांगरा आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको सबमिट कर देना है, मैंने जो ऊपर में नाम लिए थे, ग्रेजुएशन डिग्री का मार्कशीट आप लोग चाहिए, और डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स का, और वर्क एक्सपीरियंस अगर है आपका, एक्सपीरियंस कहीं काम कर चुके हैं तो उसका आपको दे सकते हैं। और बात की जाए डॉक्यूमेंट्स, देखिए स्पोर्ट्स में अगर आप कहीं भी हुए हैं, जैसे होता है ना स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट हमको मिला इस खेल में, तो वो आप इसमें सबमिट कर सकते हैं, और लेट पे डाउन सर्टिफिकेट, जो आपका इनकम का सर्टिफिकेट आपको इसमें दे देना है, ठीक है। और बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका शॉर्ट लिस्ट एंड फॉर मेरिट लिस्ट, आपका मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम होगा जिसके बाद सिलेक्शन किया जाएगा,
और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ फॉर्म लगेंगे, वो फॉर्म कौन से होंगे वो मैं बताता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग को वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस वेबसाइट में आपको आ जाना है, ठीक है। कौन सा वेबसाइट? ये वाला वेबसाइट। आपको वेबसाइट का लिंक ऊपर में दिख रहा होगा और यहाँ पर नाम देखिए वेबसाइट का, यहाँ पर आपको वेबसाइट में मिल जाएगा आपका, ठीक है। और चलिए हम लोग फॉर्म देख लेते हैं कैसा फॉर्म है। फॉर्म मैंने अभी डाउनलोड किया है, तो आप लोग को डाउनलोड लिंक फॉर्म का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो और कोई भी दिक्कत होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा सीधे, ठीक है। और नोटिफिकेशन आपके सीधे फ़ोन में जाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में।